यस गुरुजी, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम गुरुजी। थैंक थैंक यू सो मच नीता, यू, इट्स अ थैंक यू प्लेजर। फॉर बीइंग हियर गुरुजी। आई कांट एक्सप्रेस इनफ कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, एंड ये मेरे लिए कितना मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन रहेगा गुरुजी, आप सोच नहीं सकते। सो गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल आर व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं वो कोई और नहीं, मेरे अपने गुरुजी हैं, गुरु प्रेरणा श्रीमाली। वेरी वार्म वेलकम टू यू गुरुजी। थैंक यू, थैंक एंड यू। जैसे हमारे शो का नाम है एस्पायर टू इंस्पायर, सो गुरुजी का नाम खुद प्रेरणा, दैट इज इंस्पिरेशन। सो इट हाँ, कुडन्ट बी मोर एप्ट, एंड बिल्कुल अपने नाम की तरह गुरुजी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु नो हर, एंड दोज हु डोंट नो हर, प्लीज यू हैव टू नो हर। गुरुजी इज एन आर्टिस्ट हु इज बियॉन्ड कन्वेंशन, अ गुरु हु इंस्पायर्स ऑल हर स्टूडेंट्स टू बी क्यूरियस। शी इज अ वुमन हु लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, एंड शी इज अ पर्सन जिनके लिए मेरे पास कोई वर्ड आज तक उनको डिक्शनरी में मुझे नहीं मिला जो उनको जस्टिस कर सके। सो गुरुजी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मास्टर एट व्हाट शी डज, कथक शी इज परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म्ड, गिवन टॉक्स, गिवन सेमिनार्स। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ मेनी अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2009। शी इज एफिलिएटेड टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उनकी अपनी भी फाउंडेशन है, एंड वो हम जैसे स्टूडेंट्स को मतलब बहुत डांस तो सिखाती ही हैं बट लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मीना। सो गुरुजी देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, आई मीन देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वुड वांट टू आस्क यू, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी व्हाट हैज कथक टॉट यू एज एन इंडिविजुअल। नीता, इफ आई कैन, लाइक आई थिंक आई शुड से दैट कथक एंड मी आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, यू कैन से, because I can't think about myself without Kathak. And I think I have, now I am looking at my life through Kathak. So Kathak is a lifeline for me. And Kathak taught me many, many things, because the way I am looking at life now is completely different. And अगर कथक नहीं सीखा होता तो शायद जिंदगी को ऐसे नहीं देखते जैसे अभी देखते हैं। लाइक द वे आई एम लुकिंग एट द माइथोलॉजी, द वे आई एम लुकिंग एट द थॉट, इंडियन थॉट और मे बी फिलोसॉफी, द वे आई एम लुकिंग एट द रिलेशनशिप्स, द वे आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड नाउ इज अ कंप्लीटली न्यू लुक। एंड आई थिंक कथक गेव मी दिस बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग कथक, दैट्स वाई। कथक एंड इन जनरल इफ आई से दैट डांस or any art form. So, because if you are practicing something, any art form or anything like that, then you have a one more expression of yourself. That's what Kathak taught me. And I think I am whatever I am now is because of Kathak. सो गुरुजी क्या कथक आपको लाइक अभी भी कथक के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स दिखती होगी? हाँ बीच में फ्रीज हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन फिर से बोलो। जी गुरुजी, क्या अभी भी आपको लाइक एट आई मीन फॉर मी कथक इज गुरुजी, बट लाइक गुरुजी जैसे अभी भी आपको इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कथक, तो आपको अभी भी कथक कंटिन्यूअसली डे टू डे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है? हाँ बिल्कुल करता है, बिकॉज यू नो कथक टॉट मी डिसिप्लिन, कथक टॉट मी द डेडिकेशन, कथक टॉट मी डिवोशन, यू नो। सो द डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन ऑफ द सराउंडिंग, डिसिप्लिन अबाउट द नेचर, एवरीथिंग, यू नो, इट्स ऑल कंबाइंड। सो ये तो हम रोज सीखते ही चलते हैं, क्योंकि अभी भी जो जिस तरह के माहौल में अभी हम बैठे हैं, एंड इफ आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर,
it is because of my art. And like last year, you know that I've done a complete choreography on the subject Bhumi. Yes. And Bhumi was the nature, you know. It was all, and I read about Bhumi and I read about nature. And since ages, like Vedic times, say, Prithvi keh rahi hai, mujhe bacha lijiye, you know, and nobody is listening. And now we are all inside and nature is out there. Yes. And, yes, freely roaming around. Yes. You can look just from the window, just like us. We are virtually here. Right, Guruji. Guruji, apart from dance, आपका बहुत फेवर्ड आर्ट फॉर्म कौन सा है? द सेकंड मोस्ट फेवर्ड आर्ट फॉर्म. यू नो वीदा, आई वांटेड टू बिकम अ पोएट. ओके. सो मैं तो सोचती हूँ, बिकॉज़ पोएट्री टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी पोएट्री इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन, अल्टीमेट इम्प्रोवाइजेशन वन कैन से अबाउट. सो पोएट्री इज समथिंग व्हिच इज टू मी इज अ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड and beautiful, because if you are, you want to appreciate something, ultimate expression is poetic, you know. Ki agar aapko koi dance acha lagta hai, sab bahut acha lagta hai, to aap kehte hain it's a poetic rendition. Agar aapko painting dikhti hai to aap kehte hain ki it's a what a poetry, you know. Even in the sculpture you can see that it's a poetry. So poetry is the second form, which I wanted to become a poet. And now sometimes I get the comment that her dance is like poetry in motion. So right. So ये अच्छा लगता है कि आप वैसे नहीं तो कम से कम ऐसे poetry कर रहे हैं. Guruji, it is never too late to start, and we are waiting. So Guruji, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. लेट होता ही नहीं है, मुझे लगता है आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकती हैं. Yes. Look at me, Guruji. Also, like you know, इतने gaps के बाद and now I'm full on. Like you know, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है classes attend करके and वापस कथक has become such an important part of my life. आपने ही देखा है Guruji, पहले नहीं था, बीच में मैं disciplined नहीं थी और अब वापस आपके under आके काफी सुधर गई. क्योंकि ये अच्छी बात है, ये बहाना होता है, आदमी खुद सुधर जाता है. हम लोग बहाना ढूंढते हैं, इसकी वजह से हो गया है, उसकी वजह से हो गया है, यू नो, इट्स ऑल इनसाइड. गुरुजी, आई वांटेड टू आस्क, टेक योर ओपिनियन, हाउ इज इट डिफरेंट, हाउ डज आर्ट इंस्पायर पीपल एंड हाउ डज एन आर्टिस्ट इंस्पायर पीपल? व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द मिक्सचर? लुक, व्हेन आर्ट इंस्पायर्स यू बिकम एन आर्टिस्ट. ओके. हाँ, सो अगर आर्ट इंस्पायर करता है तभी तो आप आर्टिस्ट बनते हैं, नहीं तो आप क्यों बनते हैं? राइट. इफ आर्ट इंस्पायर्स देन यू बिकम द आर्टिस्ट, एंड इफ आर्टिस्ट इंस्पायर्स देन ह्यूमन कैन बिकम अ लवेबल ह्यूमन बीइंग, आई थिंक, वेरी अफेक्शनेट ह्यूमन बीइंग. राइट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज थिंक दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कलाओं को देखते हैं या कलाओं के साथ रहते हैं तो आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है और तब आप दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं और फिर सब कुछ बहुत, मतलब बहुत बुरा तो कुछ लगता ही नहीं है उसके बाद, यू नो, उसके बाद कुछ बहुत बुरा या बहुत ऐसा कुछ नहीं लगता है कि अरे ये तो बहुत ही खराब है या ये तो बहुत ही अच्छा है. तो ये यू नो, इट्स लाइक आप as a human you are refreshing yourself continuously. कि आप अपने आप को रिफ्रेश चलते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, लगातार लगातार लगातार. तो और हर दिन जैसे एक परत हटती जाती है आपके ऊपर से. So that's what I always feel whenever I do my practice. It's like always the dance is coming more near to me, more close to me. Right. हर practice के साथ लगता है वो थोड़ा और आपके पास में आ गया. तो ये ऐसा होता है, इट्स लाइक दैट.
गुरु जी, जब मैं आपसे आपके सोच रही थी कि क्या क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे और आपकी ही बातों पे थोड़ा गौर कर रही थी जो आपने कभी मेरे साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करे हैं, तो फिर मैंने रियलाइज करा उस टाइम भी कि आर्ट इज अ गिफ्ट, आपसे सीखा है दैट आर्ट इज अ गिफ्ट, यू गिफ्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर गिविंग इट टू अदर्स. Guruji, what advice would you like to give to young dancers, even me? भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि everyone, each one of us should learn one art form if possible. कम से कम एक art form तो जरूर सीखना चाहिए, whatever. It doesn't mean that you have to learn dance or you have to learn poetry or you have to painting, poetry, sculpture, writing. Whatever you want, but one art form, at least one, because you know, just think about the world without art. If you close your eyes and just think about that, that there is no music, no dance, no sculpture, no even cinema, because cinema is a big art, and sculpture or poetry or literature, kuch bhi nahi hai aas pas, and no film music even. Then what happened? तो इट्स अ हॉरिफिक लाइक विजुअल. अगर आप सोचेंगे तो बहुत भयानक लगेगा कि आपके आसपास कोई आर्ट है ही नहीं, और उसके बाद भी हम ये आर्ट को बहुत इतनी तरजीह नहीं देते हैं. यू नो, इट्स लाइक इट्स अ सीरियस थिंग दैट एज अ सेक्टर वन शुड टॉक अबाउट इट, दैट आर्ट इज अ सीरियस थिंग, आर्ट इज अ सीरियस मैटर, यू नो, बिकॉज विदाउट आर्ट यू आर नोबडी एंड यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ रोबो. आप चलते फिरते एक रोबो हो जाएंगे और आप आपके अंदर कोई इमोशन किस तरह होगा, यू नो, बिकॉज हर चीज तो आपकी रिदम में चलती है, इवन योर हार्ट बीट, सो एवरीथिंग इज इन रिदम. तो वो रिदम आपको कैसे समझ में आती है, वो रिदम और मेलोडी अगर, और जैसे हम बात करते हैं, यू नो, इफ समबडी, everybody has their own voice and voice culture se aadmi voice ko badalta bhi hai, par agar aap bahut kharab kisi ki awaaz sunte hain to aapko acha nahi lagta, kyun nahi lagta hai, because you are tuned to be an artist, you know, inside, ki aapke andar har aadmi mein kuch na kuch art hota hai ki aapko sunna acha lagta hai, koi achi awaaz sunna acha lagta hai, kyun acha lagta hai wo, kyunki ye basic instincts hain. So isliye mujhe aisa lagta hai ki कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म हर व्यक्ति को सीखना चाहिए ताकि वो जीवन को पूरी तरह से जी सके और तरीके से जी सके. खाली रोजमर्रा के खाना पीना सोना ही नहीं है, यू नो, बहुत कुछ और भी है. एब्सोल्युटली राइट. बहुत पहले ना गुरुजी, मुझे एक बात अपने फादर इन लॉ से मैंने सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तब मैंने लाइक अपनी अकेडमी शुरू करी थी एंड लाइक आई वॉज शेयरिंग विद माय फादर इन लॉ कि कुछ लोग तो इतना बड़ा काम करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोग सोल्जर्स होते हैं, मैं तो सिर्फ डांस करती हूँ और मैं तो सिर्फ बच्चों को डांस सिखाती हूँ, तो एंड डांस एंड म्यूजिक सिखाती हूँ. सो तब मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि यू डोंट नो द पावर ऑफ म्यूजिक, लाइक इन ओल्डन टाइम्स व्हेन पीपल यूज टू गो फॉर वॉर, उनको वो जब म्यूजिक सुनाई देता था, द पेट्रियोटिक म्यूजिक एंड द पेट्रियोटिक बीट्स, उस बीट और उस एंथुजियाज्म से वो जाके फाइट करते थे. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बेड से उठो और जाके फाइट कर लो. सो दैट जो जोश होता था, दैट इज द माइंडसेट एंड दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक दैट पीपल कैन गो एंड गिव देयर लाइव्स फॉर इट आल्सो. या इवन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया में उन्होंने अंडरग्राउंड चलाया पर बैले चलता रहा, बैले एंड म्यूजिक वर ऑन, दे डिडंट अलाउ टू स्टॉप इट, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहिए. तो ये एक तरह की मैच्योरिटी है इन द सिविलाइजेशन कि आप म्यूजिक और डांस को उस तरह समझ सके. तो ये तो लेट्स सी हम लोग कहाँ पहुँचते हैं. अभी सब लोग कोरोना में हैं और जब कोरोना में रहने की बात करते हैं कि आप घर में रहिए, तो सब कहते हैं कि घर में रहिए आराम से और फिर म्यूजिक सुनिए और योग करिए और किताबें पढ़िए. तो म्यूजिक कहाँ से आया? तो उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए. Yes.
इंटरेस्टिंगली एक बार ही मैं गुरुजी से ही बात कर रही थी, आपसे ही बात कर रही थी गुरुजी, और मुझे आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर किया था. सो दैट वाज कि गुरुजी हैड टू परफॉर्म फॉर अ फुटबॉल, मतलब वहाँ जहाँ उनकी परफॉर्मेंस थी वहाँ कुछ स्पोर्ट्स पीपल भी आ रहे थे. तो आई आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी कथक एंड फुटबॉल इनका क्या रिलेशन है गुरुजी, हाउ कैन कोरियोग्राफी ऑन दैट. Yes, and you shared that choreography with me and you explained it to me. It was so beautiful, Guruji. So if you don't mind, can you share a bit about that choreography so that how art can be related to anything in the world? Oh, bahut purana ho gaya. Let me just think. It was an offer from, I think, at that time that I think from the government, I got this offer that to, because FIFA ke kya the director general or chairman kya hote hain, the highest authority of FIFA was supposed to come to India. Aur to yahan par unke liye ek presentation banana tha. So football ke, ab main to football to mere aas pas kahin tha hi nahi ki football pe main choreography kya karungi. Right. So, but and I have seen so many videos of football that time. Maine itne dekhe football, aur kyunki do tarah se hota hai, America mein ek alag tarah se khela jata hai jisme haath mein leke bhi bhagte hain wo, use shayad kuch aur kehte hain, not football but ek football jo hum log dekhte hain regular basis, right? Haan ji, maine usko usi ko jo hamare yahan zyada khela jata hai usko base rakh ke, aur maine un elements pe, kyunki so when you are choreographing something which is completely contrast to your own medium, to usme aap kya karenge, aap kahin se kuch essence lete hain, kahin se kuch elements lete hain aur tab usko jaake weave karte hain. At least main ye karti hu. To maine football agar khela jayega, because it's a group work, kyunki team work hota hai, ab wo team kaise kaam karegi, to maine pehle unke us basic elements pe kaam kiya कि दैट टुगेदरनेस, और कैसे कितना स्विफ्टली वो जाते हैं और कितना रिफ्लेक्सेस कितने शार्प होते हैं उनके की, और एक दूसरे की आंख बचा के कैसे वो एक दूसरे को बॉल पास ऑन कर देते हैं. सो मैंने वो सारे एलिमेंट्स को लिया था और उसको डांस में वीव किया था. और क्योंकि जब आप ग्रुप कोरियोग्राफी कर रहे हैं तो वो भी एक अपने आप में टीम वर्क है, और कथक में तो फुटवर्क बहुत है और फुटबॉल में भी फुटवर्क बहुत है, मींस एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन फुट. सो तो कहीं मैं सिमिलरिटी ढूंढ रही थी और कहीं मैं उनके कॉन्ट्रास्ट को भी डील करने की कोशिश कर रही थी, और कैसे एक टीम इकट्ठा होती है, दोनों सब आपस में, दो टीम्स आपस में बात कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसको भी लिया था मैंने. सो इस तरह के सारे एलिमेंट्स को लेके मैंने उस कोरियोग्राफी को वीव किया था, and it came out quite okay, quite well. Quite well, Guruji, because I know you told me ये footwork, teamwork, and जैसे हम लोग सम पर आते हैं वैसे ही वो लोग गोल करते हैं. हर परफॉर्मेंस का टाइम एक लिमिटेड होता है, हर मैच का टाइम एक लिमिटेड होता है. So how you have to show everything and show your best in that particular time. So there, I mean, कैसे आपने उन दोनों को correlate करके weave किया था? It was really different for me. मतलब it was I had never seen or heard anything like that. Yes. So Guruji, any other cause that is close to your heart that you would like to share with us? Cause related to dance. Cause related to which is close to your heart. Any like. जो जिस पे आप फील करते कि औरों को भी थोड़ा गौर करना चाहिए. ऐसे तो कई सारी चीजें हैं, मतलब कोई एक कॉज तो नहीं कह सकती हूँ मैं, पर अगर मैं डांस को लेकर कहूँ तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि बिकॉज अभी तक भी हमारी सोसाइटी ने डांस एज अ प्रोफेशन अभी भी मुश्किल होता है, अभी भी उसमें सर्वाइव करना बहुत, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है. सो ऐसा कुछ बन सके इस तरह का कि आर्टिस्ट इस तरह की चीज़ फेस ना करे, ऐसा कुछ हो सकता हो अगर, क्योंकि अलग अलग एनजीओज और ये सब तो काम करते हैं, बट हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आर्टिस्ट को कॉन्स्टेंटली हेल्प कर सके
और उनको सर्वाइव, अगर किसी को आर्ट एज अ करियर लेना है तो वो कैसे आगे बढ़े, इसका इसकी बहुत अच्छी गाइडलाइंस भी नहीं है. सो ये भी मुझे एक बात लगती है कि उसको मतलब उसके लिए कुछ करना कर सकना चाहिए. अब सभी लोग, या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. एंड द अदर थिंग अबाउट द सोसाइटी इज दैट एज एन इंडियन सोसाइटी कुछ तो अभी हमने सीख लिया है. कुछ मुझे लगता है कि सिविक सेंस हम लोगों में आना बहुत जरूरी है. जो सिविक सेंस की हम एज एन इंडियन सोसाइटी हम लोगों में ऑन लार्ज स्केल पे, मैं सब स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रही, पर मास अगर हम बात करें तो वी आर लैकिंग इन दैट. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट इशू विच क्योंकि जब जाते हैं तो मुझे बहुत, मैं आई एम रियली कंसर्न अबाउट दैट. यस Guruji, I would like to thank a few people, matlab those who have joined us, and then I'm going to ask you some more questions. Thank you, Chandrima ji, for joining in. Thank you, Akshay. Thank you, Devinder. Thank you, Karan. Hamare bahut sare mere guru bhai behan hai, Priyanka, Tara, Shivani. Thank you, Vineet. Thank you, Ruhi, for coming in. Thank you, Srishti. Thank you, Deepak. Thank you, Archana. थैंक यू हरिओम जी, थैंक यू मनीष फॉर बीइंग हियर. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा है, आई एम श्योर दे आर, आई मीन दोज़ हु नो यू एंड दोज़ हु डोंट नो यू हैव टू नो यू. दैट इज माय थिंग टू एवरीबॉडी बिकॉज़ इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. गुरु जी, अब मैं आपसे कुछ लाइफ वाले सवाल पूछ लेती हूँ. गुरु जी, आपका फेवरेट फूड क्या है? बिल्कुल इंडियन फूड मेरा फेवरेट फूड है क्योंकि मैं बहुत इसमें एडवेंचरस नहीं हूँ. राइट. एंड गुरुजी, एनी नाइस मेमोरेबल परफॉर्मेंस एंड यू लाइक टू शेयर व्हाई दैट वाज मेमोरेबल फॉर यू? देयर आर टू थ्री, बट वन व्हेन आई डांस्ड इन ओंकारेश्वर. ओंकारेश्वर इज इन मध्य प्रदेश एंड आई वेंट थ्रू द रिवर नर्मदा. And it was on the occasion of Kartik Purnima. In fact, for the first time in my life, I have realized that we Indians are so emotional in that sense that for that Kartik Purnima Snan, there were more than 5,000 people just to take a dip in that river. My God. And I was there to perform for them. And it was a government sponsored program, and so the venue was that Shankaracharya Peach wahan par hai. So it was a Shankaracharya rock, the backdrop of my performance space. How lovely, Guruji. and you know, and the side was the river flowing, Narmada, and there you can see the ranges, and in front of you, the sea of people, heads and heads and heads, you know. So, first of all, I was scared that, my goodness, 5,000 se zyada log, kya karungi main? And how could you reach out to them? You know, that was a classical dance form. And right. Because classical is okay, but it's not a popular form. It's not like a Bollywood music that you can just dance anything. And then they started with the Samaved part, which I have heard for the first time. Samaved gaya jata hai. Okay. And Samaved, yeah, and it was with the Pakhavaj. Pakhavaj ke saath mein, Pakhavaj ka sangat hota hai aur Samaved. And all the priests, where they were sitting and they were singing Samaved. और उसके बाद में दे हैव आस्क्ड ऑल द लेडीज फ्रॉम द फ्रंट रोज टू कम अप एंड दे पुट द दीपक दिया इन द रिवर नर्मदा, यू नो. एंड देन 5 or 6 वॉलंटियर्स वेंट ऑन टू दैट रेंजेस विद एक ऐसे आग लेकर, यू नो, दे जस्ट लाइट अप ऑल द रेंजेस. वहां पे कुछ लगा रखा था, उसको सबको जला दिया उन्होंने. It was a, like, मैं explain नहीं कर सकती what a beautiful sight it was. And then I was there to dance. I was really fearful, which is why
मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगी या नहीं फिर थ्रू माय डांस एंड बट आई हैव डिसाइडेड इनसाइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव स्टेज बिफोर 1 आवर सो व्हाटएवर मुझे नाचना है एंड आई डांस्ड एंड थैंक गॉड इट वेंट ऑफ रियली वेल एंड पीपल केम एंड पीपल अप्रिशिएटेड एंड बिकॉज few gestures in your art form are like one can connect ghungat banayenge to unko lagta hai are ye to hamare jaise hai kuch ho raha hai ya lagta hai waisa ho raha hai you know so because they were all from the various villages most of them that's what I got the information kyunki maine pucha maine kaha ye sare log aaye kahan se itne sare ye tab pata laga ki ye aisa hai so that was a memorable performance That, I can imagine. Yes, and like you are going through a river, आप नाव में बैठ के जा रहे हैं, फिर आप वहाँ तैयार हो रहे हैं, फिर आप इस तरह के लोगों के सामने, and because you know the as an artist, I always feel that when connoisseurs जब देखते हैं तो अच्छा ही लगता है, वो तो ठीक बात है, they appreciate, it's like you have arrived or something, but if people who doesn't know your art form. And if they appreciate you, then it's really, really an appreciation. Right. मुझे ऐसा लगता है. Yes. That means art, because that means that art doesn't need any language, you know, any other expression than itself. Right. So ऐसा है. Yes. So Guruji, which is the latest book that you have read? And you've liked. मैंने अभी तो लिख के भेज दिया है कि मैंने सेपियंस पढ़ी है. It's a wonderful book and quite a big, इतनी मोटी है. और it's like I was really some of the expressions I never came through. कि ऐसा भी होता है कि you have an ego as a human, that you are a human and you have a ego. That you are a human. That's what this book says, and and how the humans has somewhere destroys also the flora and fauna. So right. ऐसा कुछ ऐसा भी हुआ है और पूरी history से it's a complete human history है. Right. Very big canvas. So I read that book. I know. I have been wanting to read it. I've not got the courage to start it. Let's do that. So my son was reading it, Guruji. So he tells me, and thode din mein I think I'll be able to pick it up and start. Do that. और गुरुजी अगर आप ये क्वेश्चन भी ऑड है बट अगर आप डांसर नहीं होते तो फिर आप क्या होते ये तो आपने शायद पहले ही आंसर कर दिया था वन ऑफ द क्वेश्चन एक बार मेरे यहाँ एक मेड काम करती थी वो मुझसे बहुत डरती क्योंकि तब मुझे बहुत गुस्सा आता था तो वो मुझे कहती थी कि मैम साहब अगर आप डांसर नहीं होती तो थानेदार होती बट सीरियसली स्पीकिंग अगर मैं डांसर नहीं होती तो शायद मैं IAS ऑफिसर बनती मैं पहले वकील बनना चाहती थी और उसके बाद मैं IAS होना चाहती थी और मैं डांसर बन गई ये कहना चाहिए तो गुरुजी माय लास्ट क्वेश्चन कि आप अपने डिसाइपल में क्या क्वालिटी देखना पसंद करते हैं ये तुम्हें आंसर करना चाहिए सो मैंने सोचा ये मैं आपसे पूछ लूंगी तो फिर मैं वो क्वालिटी लाने की कोशिश करूंगी नहीं मुझे मैं ये नहीं सोचती कि मेरे लिए कुछ खास करने की जरूरत है बट आई थिंक द डिसाइपल जो भी है या जो भी सीख रहा है वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिम और हरसेल्फ एंड अबाउट द गुरु आल्सो एंड द ट्रस्ट राइट ट्रस्ट होना चाहिए और एक ऑनेस्टी होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये दोनों चीज होंगी तो फिर डेडिकेशन डिवोशन आ जाएगा क्योंकि ये 3 Ds इम्पोर्टेंट हैं डिसिप्लिन डेडिकेशन एंड डिवोशन ये 3 चीजें जरूरी होती हैं किसी भी आर्ट फॉर्म को रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए राइट तो वो आपको तभी आती हैं जब आप में ऑनेस्टी होती है टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड योर आर्ट फॉर्म एंड ट्रस्ट फॉर द गुरु ये बहुत जरूरी है
एंड दैट इज रियली वन थिंग जो मैंने सबसे पहले व्हेन आई मेट यू गुरुजी, तो वो बस एक वो मतलब आपका पर्सोना ही ऐसा है कि यू कैन एक्चुअली मतलब अगर आप कुछ भी कह सकते हो, बेझिझक कह सकते हो, बिकॉज आप जजमेंटल नहीं हैं गुरुजी, और आप हमेशा गाइड करते हो और हमारे को खुद अपना पाथ चूज करने देते हैं. सो दैट इज वाई वी कैन बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू. एंड जब आपके साथ ऑनेस्ट होते हैं तो धीरे धीरे हम खुद के साथ भी ऑनेस्ट होने लग जाते हैं, विच इज सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ऑनेस्टी ऐसी चीज है जिससे आदमी डरता है. So Guruji, thank you for giving us your time, and like this is really going to be memorable for me. And हमारे बहुत सारे guests ने भी आपको बहुत नमस्कार किया है, and बहुत सारे हमारे students भी हैं. So really, thank you, Guruji. Thank you. And हाँ जी. And before we end, like मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा. तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें उड़ान देगा. और थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू एवरीबॉडी.